ओम शांति। आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में पधारे हुए सभी भाई बहनों का हृदय से स्वागत है। तो आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम का, सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभ आरंभ करते हैं और जीवन की किताब के आज के पन्ने में कुछ रंग नए भरते हैं। और आज मेरे साथ सहयोगी हैं इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के संचालन के लिए, हमारी नन्नी दीदी जी जो कि अहमदाबाद से हमारे बीच पधारी हैं और मीडिया विंग की विशेष सदस्य हैं, गुजरात की ज्वाइंट जनरल कोऑर्डिनेटर हैं मीडिया विंग के लिए। तो नन्नी बहन, आज के कार्यक्रम में आप हमें क्या दिखाने जा रही हैं? सबसे पहले विवेक भाई, आज की हमारी इस सांस्कृतिक संध्या को सजाने के लिए पूरे भारत के विभिन्न राज्यों से बड़े बड़े महान कलाकार आज इस मंच पर उपस्थित होंगे। हम साउथ के क्षेत्र से शुरू करें, नॉर्थ भी जाएंगे और वेस्ट भी जाएंगे, तो आगरा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, मुंबई, बेंगलोर, ऐसे विभिन्न क्षेत्र के कलाकार आज की इस संध्या को सजाने के लिए हमारे मध्य उपस्थित होंगे। और इन कलाकारों को सराहने के लिए हमें आपके करतल ध्वनि की एक चाह रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम। सबसे पहले भारत भूमि, जो नारी की इतनी महिमा करता है और हमारे संस्कृति में ये गाया गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, अर्थात कि जहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। आज वही यह भारत की भूमि है जहाँ नारियों का सशक्तिकरण के लिए सभी क्षेत्र, सभी दरवाजे खुले हैं। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय एक ऐसी संस्था है जहाँ परमात्मा ने स्वयं नारी शक्ति को आगे किया है। और हम सब जानते हैं कि नारी जहाँ सशक्त होती है वो परिवार, वो घर, समाज और देश को सशक्त करती है। तो आइए सर्वप्रथम प्रस्तुति नारी शक्ति का नृत्य को लेकर, भारत में नारी की गरिमा कभी नहीं थी कम, आओ इसे हम बनाए आगे। कुमारी राधिका और कुमारी गौरी जो बिलासपुर से हमारे मध्य पहुंची है, उन दोनों कन्याओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। नारी शक्ति के नृत्य को लेकर आज की संगीत संध्या को हम शुरू करते हैं। तो दोनों कन्याओं के लिए तालियों से हम स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। नारी शक्ति नृत्य लीजिए इस विशेष कार्यक्रम का आनंद। विशेष कलाकारों के साथ हम और नन्नी बहन आपके साथ हैं, आपके सहयोगी हैं इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए। और भाई बहनों, जहां नारी शक्ति की बात है, भावना जब हद से उठती है तो भक्ति हो जाती है और नारी इस परिवेश में आके शक्ति हो जाती है। स्वागत है। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाओ पिछाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है रहना मुझे।
सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया। पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया,
बहुत सुंदर कुमारी राधिका और गौरी, नारी शक्ति क्या है और नारी शक्ति की महिमा क्या है इस गीत के माध्यम से हमने देखा, और आज हम देखते हैं कि भारत और देश विदेश में महिला का सशक्तिकरण होने जा रहा है, और इसका एक पहल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा पूरे विश्व में हो रहा है। अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आगरा से पधारे हुए कुमारी मोना वैशाली रानी पूजा, जो बहुत ही सुंदर ग्रुप डांस लेकर हमारे बीच में आ रहे हैं और ये हमें रंगों की दुनिया की ओर ले जा रहे हैं। अलग अलग रंग की अलग अलग परिभाषा होती हैं। वैसे तो हमने ज़िंदगी में कई रंग देखे हैं, लेकिन आज की इस दुनिया में हम देखेंगे प्रेम का रंग, शांति का रंग, सुख का रंग, और वो रंग शिवपिता परमात्मा की ओर से हम पर बरसता है। तो आइए रंग बरसे बाबा तेरा रूहानी रंग बरसे, इन कुमारियों को हम स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। रंग बरसे बाबा रूहानी तेरा रंग बरसे, रंग बरसे बाबा रूहानी तेरा रंग बरसे, हम हो गए माला माल ऐसा तेरा रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे बाबा रूहानी तेरा रंग बरसे, रंगों में तो ज्ञान के रंग हैं, जिस पे भी पड़ता रूहानी तेरा रंग है, वो होता माला माल जिस पे ये रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे बाबा रूहानी तेरा रंग बरसे, रंगों ने कन्हैया को रंगा है, श्याम से सुंदर मोहन बना है, कान्हा बने भगवान भोले तेरे इसी रंग से, रंग बरसे, रंग बरसे बाबा रूहानी तेरा रंग बरसे, रंगों में तो प्यार समाया, प्रभु तेरे प्यार में सब कुछ पाया, वो होता है निहाल जिस पे ये रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे बाबा रूहानी तेरा रंग बरसे, इन रंगों में राम भी जीते, प्रभु के प्यार का अमृत पीते, वो जीते सारा जहान शिव बाबा तेरे रंग से, रंग बरसे, रंग बरसे बाबा रूहानी तेरा रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे बाबा रूहानी तेरा रंग बरसे। बहुत बहुत धन्यवाद आगरा से पधारी हुई हमारी ये
देवी बहने, भाई बहनों, रंग बरसे, पर मैं तो देख रहा हूं कि आप सबके चेहरों पर रंगीन मुस्काने हैं। ये रंगीन शाम है, रंगीन इसके नजराने हैं, रंगीन तराने हैं, और आज बड़े रंगीन अफसाने हैं। खुशियों भरा वक्त है, ये वक्त बड़ा प्यारा है। तो दोस्तों, इस वक्त को जरा आज मेहरबान होने दो, इस वक्त को जरा आज मेहरबान होने दो, अपने सपनों को अपना अरमान होने दो। पांव चाहे जमीन पर रहे, पर अपनी खुशी को आसमान होने दो। और आपकी खुशी को आसमान पर ले जाने के लिए, चार चांद लगाने के लिए हमारे बीच है भारत के बड़े मशहूर टेलीविजन आर्टिस्ट, जिन्होंने लाफ्टर चैलेंज और कॉमेडी सर्कस में हिस्सा लिया था। आप सभी जानते हैं उन्हें, फाइनल तक पहुंचे थे, डॉक्टर मुकेश गौतम। जोरदार तालियों से उनका स्वागत होना चाहिए। ऐसे अच्छे आर्टिस्ट हमारे बीच पधारे हैं, हमें बेहद खुशी है। वैसे तो उन्हें बहुत वक्त मिलना चाहिए, लेकिन आज थोड़े समय के लिए भी आज परफॉर्म करेंगे और हमें बेहद अच्छा लगेगा। एक बार करताल ध्वनि के साथ फिर से। ओम शांति। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, और जो लाइट देख रहा है उनसे अनुरोध करता हूं कि हॉल में लाइट चालू कर दे, क्योंकि इतने सुंदर चेहरे अगर सामने बैठे हुए हों और उन्हें देखने से मैं वंचित रह जाऊं तो ये मेरा दुर्भाग्य होगा। वैसे मेरे खड़े होते ही, मेरे अंदर आते ही आपने तालियां वालियां बजा दी, आप मेरा फोटो खींचे, मुझे बड़ी खुशी होगी। एक कॉपी मुझे भी देना। अरे सर, बड़ा डर लगता है, घर जाऊंगा तो अपनी बीबी से बताऊंगा कि मैं प्रोग्राम में ही गया था। जहां आपको ऐसा लगे कि मेरी बात आपके समझ में आ रही है, वहां आप ताली वाली बिल्कुल बजाते रहना। मैं बार बार आपसे गुजारिश बिल्कुल नहीं करूंगा। मन मचल कर मोर होना चाहिए, हास्य का अब दौर होना चाहिए, और मैं सुनाऊंगा बहुत कुछ आपको, पर तालियों में जोर होना चाहिए। यकीनन आप बड़े मन से सुन रहे हैं, मेरे बारे में बहुत बढ़िया संचालन कर रहे थे। इससे पहले बहुत बढ़िया दो आर्टिस्ट, दो परफॉर्मेंस आपके सामने हो चुकी है। दोनों के दोनों परफॉर्मेंस इस मिशन, इस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। मुझे चार लाइनें याद आती हैं कि अभी साजे दिल के तराने बहुत हैं, अभी साजे दिल के तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं, और हम क्यों भीख मांगे फन की किसी से, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। एंजॉय कीजिए, मैं कुछ देर के लिए आपके चेहरे पर हंसी लाने की कोशिश करूंगा, आपको गुदगुदाने की कोशिश करूंगा। हंसी के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, हंसी हमारे आसपास होती है। मैं आज दोपहर में अबू रोड स्टेशन पे आया, एक टैक्सी वाले को बुलाया, मैंने उसे कहा मुझे ऊपर माउंट आबू चलना है, कितने पैसे लेगा? टैक्सी वाला बोला 600 रुपये। मैंने कहा 600 ज़्यादा है, मैं कवि हूँ, मेरे पास तो पैसे वैसे होते ही नहीं, कवियों की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब होती है साहब। मैं अभी यहाँ आया, गेट के बाहर एक भाई साहब मुझे मिल गए, मुझे देखते ही बोले बोले 1000 का छुट्टा है क्या? मैंने कहा छुट्टा तो नहीं है, लेकिन ये पूछ के तूने जो इज्जत मुझे दी, तो अपनी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब होती है। मैंने टैक्सी वाले से कहा कितने पैसे लेगा, वो बोला 600 रुपये। मैंने कहा 600 ज्यादा है, मैं तो 200 दूंगा। वो बोला साहब 200 में कौन लेके जाएगा? मैंने कहा तू बैठ। ये होती है हंसी, आप बिल्कुल टेंशन में मत रहिए। वैसे भी आप इतनी पवित्र जगह पर बैठे हुए हो जहां टेंशन लेने का कोई मतलब ही नहीं है, और हम तो टेंशन भगाने का काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिना मतलब टेंशन लेते हैं, बिना मतलब। मैं एक प्रोग्राम में ऐसे ही परफॉर्म कर रहा था, सब लोग सामने तालियां बजा रहे थे, एक भाई साहब सामने वाली चेयर पर बैठे हुए थे, बिल्कुल ताली नहीं बजा रहे थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई साहब थोड़ी सी ताली बजाओ। वो बोले मैं ताली क्यों बजाऊं, मैं पैसे वाला आदमी हूं, ताली बजाने के लिए 4 नौकर रखे हैं। थोड़ी देर के बाद वहां डीजे शुरू हो गया, सब लोग डांस करने लगे, ये भाई साहब अपनी सीट से नहीं उठे। मैं फिर इनके पास गया, मैंने कहा आपने ताली नहीं बजाई, डांस तो करो। वो बोले आपको बताया ना पैसे वाला आदमी हूं, डांस करने के लिए भी 4 नौकर रखे हैं। एक महीने बाद उनकी शादी हुई,
आप तो बड़े समझदार से औरत हैं यार, अगली लाइन अपने आप समझ जाते हैं। मुझे कुछ ज्यादा मेहनत करनी नहीं चाहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। मैं एक दोस्त के घर पे गया, बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। आज हमारे सामने बड़े प्रमुख लोग बैठे हुए हैं, आदरणीय डॉक्टर वाई एन शर्मा अरुण जी, डॉक्टर श्री गोपाल नारसन जी, ऐसे लोग जिन्होंने मेरे कैरियर में शुरुआती दौर में बड़ी बड़ी मोहब्बत दी मुझे। मैं एक दोस्त के घर पे गया, बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? वो बोला कुछ नहीं यार, 25 दिन पहले मेरे दादाजी मरे, मेरे लिए 40 करोड़ रुपए छोड़ के मरे। मैंने कहा फिर? बोले 15 दिन पहले मेरे ताऊ जी मरे, वो भी मेरे लिए 20 करोड़ रुपए छोड़ के मरे। अबे मैंने कहा काहे की टेंशन है? वो बोला यही तो टेंशन है, 15 दिन से कोई नहीं मर रहा। लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं, आप मस्ती में रहिए। बिल्कुल आपकी मस्ती आपके होठों से, आपके जीवन से दूर नहीं होनी चाहिए, मस्ती में रहना चाहिए व्यक्ति को। मैं एक और दोस्त के घर पे गया, वो भी बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? वो बोला कुछ नहीं यार, सोच रहा हूं एक दिन हर कोई मरेगा। लोग सर टेंशन कहां कहां से लेते हैं नारसन जी। मैंने क्या हुआ? वो बोला कुछ नहीं, सोच रहा हूं एक दिन हर कोई मरेगा। अबे मैंने कहा सत्य वचन है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? वो बोला टेंशन लेने की तो बात ही है, जो सबसे लास्ट में मरेगा उसे शमशान कौन लेके जाएगा। लोग बिना मतलब की टेंशन लेते हैं, बिना मतलब की। अच्छा ऐसा नहीं कि टेंशन आदमी लेते हैं, टेंशन जानवर भी लेते हैं। आज तो हम इतने बढ़िया एक पवित्र जगह पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक हॉल में हम परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग तो कलाकार आदमी है साहब, मेले ठेले के प्रोग्राम में भी जाते हैं। पिछले दिनों एक ऐसे ही मेले ठेले के प्रोग्राम में मैंने जैसे ही परफॉर्म करना शुरू किया, दूर एक गधे ने रेंगना शुरू किया, एक गधे ने रेंगना शुरू किया। तो मैंने ऑर्गेनाइजर को बुलाया, मैंने कहा भाई साहब इस गधे का रेंगना बंद करवाइए। वो बोला वो भी यही बोल रहा है। ये होती है टेंशन। आप बिल्कुल टेंशन में मत रहिए, मस्ती में रहिए। मैं तो जब यहाँ पे आया बहुत बढ़िया, मैं हाँ बच्चा बहुत बढ़िया है, ये भी हंस रहा है, जबकि मैंने इसके कोर्स की बात ही नहीं करी। लेकिन कुछ भी हो, जीवन में हंसी होनी चाहिए, मस्ती होनी चाहिए। और मैं तो इस मंच से एक बात कहता हूं कि हंसने वाले और हंसाने वाले वो कभी स्वर्ग में नहीं जाते, वो जिस जगह पर रहते हैं उस जगह को अपने आप में स्वर्ग में बना देते हैं। हम कुछ पल के लिए, जितनी देर के लिए यहाँ पर हैं, हंसी की खुशी की इस महफिल में शरीक होंगे, एक दूसरे को इसी जगह को हम कुछ पल के लिए ऐसी बनाएं कि ये एक यादगार महफिल हमारे बीच में रहे। मैं यहाँ पर आया, मैंने पहले ही बताया हास्य कवि हूँ, कवियों को कोई सीरियसली नहीं लेता, कवियों से लोग बच के भागते हैं, डरते हैं। मैं तो आज ट्रेन में आ रहा था, मेरे बराबर में एक शरीफ बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। मैंने टाइम पास करने के लिए पूछ लिया, मैंने कहा अंकल मेरा नाम डॉक्टर मुकेश गौतम है, मैं कवि हूँ, आपका परिचय? वो बोले वैसे तो मेरा नाम हसमुख लाल है लेकिन मैं बहरा हूं। तो अपने से लोग वैसे ही बच के भागते हैं। मुझे तो एक कवि मिले, बोले मुकेश जी मैंने अपनी कविताओं की किताब लिखी, 1 महीने के अंदर 5,000 कॉपी बिक गई। मैंने कमाल है, चमत्कार कैसे हुआ? कविताओं की किताब मैंने भी लिखी, मेरी 300 ही बिकी। वो बोले कुछ नहीं, मैं तो रोज सुबह थैले में 500 किताबें लेकर निकलता था, किसी के भी घर की जाके कॉल बेल बजाता था, जो भी बाहर निकलता था उसको बोलता था मैं कवि हूं, मैंने ये किताब लिखी है, खरीदते हैं क्या? पूरी यही पढ़कर सुनाऊं? तो कवियों से लोग वैसे ही बच के भागते हैं। अच्छा मैं तो वैसे भी हास्य का कवि हूं, कई कवि बड़े खतरनाक होते हैं। आज तो हम लोग यहाँ बढ़िया बैठे हुए, ये बच्चा आके शांति से बैठ गया, वरना एक प्रोग्राम में मैं ऐसे ही परफॉर्म कर रहा था, नहीं बैठे उसे मत हिलाओ नहीं तो मैं हिल जाऊंगा। एक जगह मैं ऐसे ही परफॉर्म कर रहा था तो एक बच्चा आया, उसने उधर से इतना बड़ा पत्थर उठाया और मेरी तरफ निशाना लगाया। मैंने उसे कहा बेटा अगर पसंद नहीं आ रही है तो मैं बैठ जाऊं? वो बोले नहीं अंकल आप तो पढ़ो, आप तो हमारे मेहमान हैं, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जो आपको बुला के लाया है। तो कवियों से लोग बच के भागते हैं, कवियों से लोग डरते हैं। एक प्रोग्राम में ऐसे ही एक कवि भाई अपने परफॉर्म कर रहे थे, सामने से एक और वहां से आ गए, वो उस कवि से बोले बोले भाई साहब आपके पिताजी क्या करते थे? कवि बोला वो भी बड़े महान साहित्यकार थे। वो बोला और उनके पिताजी? बोले वो भी बड़े महान साहित्यकार थे, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, उन्होंने 22 किताबें लिखी। वो बोला और उनके पिताजी? कवि बोला यार कविताएं मैं सुना रहा हूं, मेरे पिताजी उसके पिताजी उसके पिताजी तक क्यों जा रहा है? वो बोला कुछ नहीं, मैं तो देखना चाह रहा था कि इस बेवकूफी की जड़ कहां तक गई हुई है।
कवियों से लोग बच के भागते हैं, आप भले आदमी जो सुन लेते हैं और बुला लेते हैं। अच्छा, पहले किसी शहर में एकाध कवि होता था, उस कवि के नाम से शहर की पहचान होती थी। काका हाथरसी, जिगर मुरादाबादी, साहिर लुधियानवी, कवियों के नाम से शहरों की पहचान होती थी साहब। बाद में एक एक शहर में दस दस कवि होने लगे, यहां तक लोगों ने झेला, एक एक गली में आठ आठ दस दस कवि होने लगे, यहां आके मामला बिगड़ा। लेकिन अगर एक घर में एक से ज्यादा कवि हो तो उस घर का भगवान ही मालिक। नहीं, मैं साबित कर दूं तो आपकी पूरी ताली पूरी सदन की मुझे चाहिए। अगर मैं साबित कर दूं कि एक घर में एक से ज्यादा कवि होने पे घर की क्या दुर्दशा होती है, तो यहां से वहां तक बैठा हुआ सदन में एक एक व्यक्ति मुझे बताना कि मेरी बात आप तक पहुंची है कि एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई, एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई और सुहाग रात पे घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को छह गजल सुनाई। भाई लोग लेके जाते पान मिठाई, ये भाई साहब कवि थे, पैसे वैसे तो होते नहीं, अपनी किताब लेके चले गए पूरी की पूरी। कि एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई और सुहाग रात में घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को छह गजल सुनाई, फिर दुल्हन ने पांच गीत चार रुबाई, फिर दुल्हन ने छह गीत सुनाए, फिर दूल्हे ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए, दोनों का कवि सम्मेलन रात भर चला, पर दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी और दोनों को सुबह याद आया कि आज तो सुहाग रात थी। कवियों को कोई सुनने वाला मिल जाए, समझो भगवान मिल गया, जैसे कि मुझे आज आप मिल गए। अच्छा, मैं वैसे भी बड़े कॉन्फिडेंस वाला हूं भाई साहब, आज तो आप इतने सारे लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, पिछले दिनों मेरे सामने एक ही श्रोता बैठा हुआ था, फिर भी मैंने ढाई घंटे कविताएं सुनाई। ढाई घंटे कविताएं सुनाने के बाद मैं उसके पास गया, मैंने उससे कहा, सर मुझे लगता है मेरी कविताओं के बहुत बड़े फैन हैं। वो बोले, मैं फैन वैन कुछ नहीं हूं, मैं तो माइक वाला हूं, तू बंद करे तो मैं लेकर चलूं। तो मैं इतने कॉन्फिडेंस वाला हूं। अच्छा, मैं अकेला कॉन्फिडेंस वाला हूं ऐसा नहीं है, लोग बड़े बड़े कॉन्फिडेंस वाले हैं, बड़े बड़े कॉन्फिडेंस वाले। मैं ट्रेन में आ रहा था, मैंने देखा अबू रोड का एक लड़का भी ट्रेन में अपर बर्थ पे सोया हुआ था। कॉन्फिडेंस की हाइट, अगर आप तक ये टिप्पणी पहुंच जाए तो बताना कि मेरी बात आप तक पहुंची है। अपर बर्थ पे एक लड़का सोया हुआ था अबू रोड का, ट्रेन में नीचे दो खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई आपस में बात कर रही थी। पहली लड़की दूसरी लड़की से बोली, तू कैसे लड़के से शादी करेगी? दूसरी बोली, कम से कम 50 करोड़ का आदमी होना चाहिए। ये बोली, 50 करोड़ वाला नहीं मिला तो? ये बोली, कम से कम 25 करोड़ वाला होना चाहिए। ये बोली, 25 करोड़ वाला भी नहीं मिला तो? लड़का अपर बर्थ पर से नीचे जंप करके आया, बोले, मैडम जब आपका बजट 10 लाख पे आएगा तो बता देना, मेरा बजट उतना ही है। ये होता है कॉन्फिडेंस, आदमी को कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए, मस्ती में रहना चाहिए, जीवन में जब कहीं भी चुनौती आए उनसे, मुश्किल किसी भी बात आ जाए उनसे लड़ना चाहिए, आप आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग बड़े अच्छे लगे, मैं जब आज यहाँ पर आया, जिनके सौजन्य से भी मैं यहाँ आया उनको बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पिछले दिनों में एक नेताओं के सेमिनार में गया था, नेता थे वहाँ पे सारे के सारे, मैंने देखा कि वो सारे के सारे नेता सफ़ेद कपड़ों में काला काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ जितने भी सफ़ेद कपड़ों में लोग बैठे हुए हैं वो सब के सब उजला पक्ष इस समाज में लेके पेश कर रहे हैं। ये होती है दोस्तों, आप मस्ती में रहिए, मस्ती आपसे कोई छीन नहीं सकता। जितनी देर आप मस्ती में रहेंगे समझो उतनी देर आप ईश्वर के साथ हैं, वरना तो आप मस्ती में जो नहीं रहते, मैंने पहले ही बताया लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। मैं तो यहाँ पे आया, मुझे नारसन जी बोले, मुकेश जी आप टेलीविजन पे आते हो, बड़ी मोहब्बत दी आप लोगों ने मुझे, लाफ्टर चैलेंज कॉमेडी सर्कस जैसे प्रोग्रामों में बड़ी मोहब्बत दी आप लोगों ने। मैं यहाँ पर आया तो मुझे बोले, मुकेश जी आप टीवी पे आते हो, कभी कॉलर में माइक लगाते हो, कभी कमर में माइक लगाते हो, यहाँ आपको कैसा माइक चाहिए? मैंने कहा, मुझे चाहिए एक बढ़िया स्टैंड माइक, सामने सुनने वाले माइक लाल, दोनों बढ़िया है, माइक भी बढ़िया है, आपका तो कोई जवाब ही नहीं, माइक वाला भी बहुत बढ़िया है, पूरा संस्थान ही बहुत बढ़िया है। बाद में मुझे ये बोले, मुकेश जी क्या फर्क पड़ता है माइक हो या वाइफ, दोनों एक जैसे ही होते हैं। मैंने कहा, गोपाल नारसन जी आपकी समस्या है, मैं जानता हूं माइक और वाइफ में बहुत सारे फर्क होते हैं। ये बोले, क्या होते हैं? मैंने कहा, मैं स्टेज पे आके बताऊंगा, आप मेरी बात पकड़ ले तो बताना। मैंने कहा, माइक और वाइफ में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक के सामने हम बोल सकते हैं,
अच्छा ये चीज उनकी समझ में ज्यादा आई जिनकी शादी को 2-3 साल हो गए। माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि इसको हम अपनी हाइट का छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। वाइफ जिस हाइट की मिली उसी के साथ गुजारा करना है। माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि इसकी एक गारंटी होती है। हाँ रिप्लेस कर सकते हैं। माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि इसमें एक बंद करने का बटन पाया जाता है जो प्राय वाइफ में नहीं पाया जाता। और माइक और वाइफ में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक जब बिगड़ता है तो बंद हो जाता है। ये ताली तो ढंग से ही बजनी चाहिए। यकीन मानिए हम जब भी किसी शो में जाते हैं, जब भी किसी प्रोग्राम में जाते हैं, हमें दो तरह का पारिश्रमिक मिलता है। एक पारिश्रमिक वो होता है व्यक्ति कि जब हम किसी प्रोग्राम में से परफॉर्म करके निकलते हैं तो ऑर्गेनाइजर जाते हुए हमारी जेब में एक लिफाफा डाल देता है जो हमारे किसी काम का नहीं होता। घर तक पहुंचते ही घरवाली छीन लेती है। नोट कटा फटा है तो ऑर्गेनाइजर को फोन करती है। कविताएं तो सही सुनी, पूरी सुनी, नोट फटा हुआ दे दिया। अच्छा उसकी तो आज यहां कोई संभावना भी नहीं उस वाले शोक। दूसरा सुख होता है आपकी तालियां जो जीवन भर हमारे कानों में गूंजती है। हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तान के बाहर रहे, कहीं ना कहीं ये एक तालियां गूंजती रहती है कि एक प्रोग्राम में गए थे वहां लोगों ने इतनी तालियों से नवाजा था जो जीवन भर हमारे कहीं ना कहीं। बस इन्हीं के सहारे आज मैं कुछ और पलों के लिए आपके बीच हूँ। मुझे जब इशारा होगा मैं बैठ जाऊंगा, चिंता मत कीजिए। मैं तो पहले ही बताया मैं कॉन्फिडेंस वाला हूँ। अच्छा मैं अकेला नहीं, कवि सारे कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, मैं तो जानता हूं। पिछले दिनों मैं हरिद्वार गया गंगा स्नान करने के लिए, कुंभ के मेले में गया था मैं स्नान करने के लिए। हालांकि कवि हूं, कोई ऐसा काम किया नहीं जो धोने पड़े, हम तो वैसे ही पवित्र आदमी होते। गया था मैं कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए, वहां मुझे एक नागा बाबा मिल गए। नागा बाबा आप जानते ही होंगे। नागा बाबा से सब आशीर्वाद ले रहे थे। कोई बोला मेरा व्यापार अच्छा चल जाए, कोई बोल रहा था मेरा कारोबार अच्छा चल जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए। मैं नागा बाबा के पास गया, मैंने कहा नागा बाबा मैं कवि हूं, मेरी 4 कविताएं सुन लो। वो बोले मैं नागा बाबा नहीं हूं, मैं तो खुद यहां नहाने आया था, कोई कपड़े चुरा के भाग गया। ये होता है कवियों का कॉन्फिडेंस। मैं तो एक ऐसे कवि को जानता हूं कि उसने एक प्रोग्राम में, एक कवि ने इतनी लंबी लंबी और बोर बोर कविताएं सुनाई कि सामने बैठे एक श्रोता की डेथ हो गई। कवि के ऊपर मुकदमा चला, जज ने उसे फांसी की सजा दी। फांसी की सजा देते हुए जज बोले कि हे कवि, तेरी लंबी और बोर कविता सुनने से एक श्रोता की डेथ हो गई, तुझे मृत्यु दंड दिया जाता है, तेरी कोई अंतिम इच्छा है तो बता। कवि बोला सर वही कविता आपको भी सुनानी चाहता हूं। तो यकीन मानिए मेरे पूरी याद है, आपकी तालियां ही आपको बचाएंगी। दोस्तों ये हंसी की महफिल है, मैं बहुत देर तक आपको ऐसे हंसा सकता हूं। मैंने बताया मेरे दोस्त बैठे हैं नारसन जी, मुझे बड़ी मोहब्बत देते हैं। जब भी मुझे कोई दुविधा होती है मैं इनसे ही सलाह लेता हूं। पिछले दिनों मैंने इनसे सिर्फ इतना पूछा कि भाई साहब लोग मुझे मरने के बाद भी याद करें, मुझे क्या करना चाहिए। ये बोले कुछ नहीं, लोगों से उधार लेके मर। इतने बढ़िया जवाब। आइए ये प्रोग्राम ऐसे ही जारी रहेगा। मेरे पास जो समय था उसका मैंने सदुपयोग किया, सिर्फ 1 मिनट आपका और लेना चाहता हूं। 1 मिनट में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम आपके सामने और भी हैं। मैं इस संस्थान में, इस जगह पर पहली बार आया हूं, लेकिन यकीन मानिए आपकी मोहब्बत, आपका प्यार लेकर यहां से जाऊंगा। पूरी दुनिया में कभी ना कभी मेरे याद रहेगा कि मैं इस संगठन में, इस संस्थान में यहां पर आया था, इतने प्यारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी। जाते जाते 1 मिनट की एक कविता आपको देकर जाना चाहता हूं। कहना इस कविता के माध्यम से ये चाहता हूं कि दुनिया में न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है, किसी भी आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, किसी भी आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। आदमी बहुत छोटी सी 10x10 की जगह पर बैठकर भी बड़ा काम कर सकता है। वो कार्टून बना सकता है, पेंटिंग कर सकता है, पोइट्री कर सकता है, कुछ भी लिख सकता है। 10x10 की छोटी सी जगह पर बैठकर आदमी बड़ा काम कर सकता है, और आदमी बहुत बड़ी जगह पर बैठकर भी घटिया काम कर सकता है। आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है,
न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है। एक मिनट की एक कविता आपको देकर जाना चाहता हूं, जीवन में आपके याद रहेगी, आपके याद रहे ना रहे कि डॉक्टर मुकेश गौतम नाम के किसी आदमी ने परफॉर्म किया था, लेकिन एक मिनट की जो कविता आपको देकर जा रहा हूं वो जीवन में आपके याद रहेगी। कविता के माध्यम से आपसे कहना यह चाहता हूं कि जब कोई आपकी प्रशंसा करे, जब कोई आपकी तारीफ करे तो आपको फूलना नहीं है, और जब कोई आपकी आलोचना करे अपनी आलोचना को पीना सीखिए। मेरा दावा है जिस दिन आप अपनी आलोचना को पीना सीख जाओगे उस दिन आप सचमुच जीना सीख जाओगे। नदी और सागर के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से एक मिनट की एक कविता आपको देकर जाना चाहता हूं। मैं मुंबई से आया हूं सागर के किनारे से, आप नदी के किनारे पहाड़ पर बैठे हुए लोग हैं। एक मिनट की एक कविता के बड़े और छोटे का फर्क क्या होता है कि मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा बहुत सुंदर हो तुम, जब किसी की प्रशंसा होती है। मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा बहुत सुंदर हो तुम, नदी किनारों से जोर से टकराई। मैंने प्रशंसा की नदी के निर्मल जल की, नदी ने अपने प्रवाह को और तेज कर दिया। मैंने प्रशंसा की नदी के विस्तार और गहराई की, नदी किनारों से फिर जोर से टकराई। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की, फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की, चर्चा की समुद्र के अथाह विस्तार और गहराई की, तो नदी नाराज हो गई, भला कोई मुझसे अधिक विस्तारित, मुझसे अधिक गहरा कैसे हो सकता है। नाराज होकर किनारों से टकराकर बहने लगी थी नदी। मैं सागर के पास गया, मैंने सागर से उस नदी की चर्चा की। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। दिस इज पोएट्री। यकीन मानिए आप जैसे सुनने वाले सुधी लोग हैं, इसलिए हम हैं, हमारा भी कोई वजूद है, नहीं तो हम भी कहीं कोने में बैठकर कविता लिख रहे होते। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। वो छोटी है पर मीठी है, मैं विशाल गहरा हूं, खारा हूं, ठहरा हूं। कहने को ये कविता है, एक लघु कथा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जीवन का सच्चा पता है। बड़ा वो नहीं जो बड़ा होने का अभिमान करे, बल्कि बड़ा वो है जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान करे। बहुत तालियां एक बार, बहुत बहुत हम अभिवादन करते हैं, बहुत बहुत थैंक्स डॉक्टर मुकेश भाई गौतम। आपने टीवी पर तो उनको देखा, लेकिन आज साकार में प्रत्यक्ष भी देखा, और बहुत सुंदर उन्होंने एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमें सिखाया कि हंसना यह हमारी आत्मा का एक गुण है, खुशी हमारे आत्मा का एक गुण है जो सदैव हमारे पास रहता है, बस इसी नशे में हमें रहना है। अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ बेंगलोर से पधारे हुए शिव शक्ति नृत्यशाला और ललित कला निकेतन के उन आर्टिस्टों को, जो आर्टिस्ट अपना स्थान ग्रीनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दर्ज करा करके आए हैं। बहुत ही सुंदर बेले नृत्य के माध्यम से वो हमें रूहानी यात्रा कराने जा रहे हैं। जीवन में हमने बहुत सारी यात्राएं की होगी, अपने शहर में, अपने शहर से दूसरे शहर में, देश और परदेश की यात्राएं, लेकिन ऐसी यात्रा कहीं नहीं की होगी जो है इस बेले नृत्य के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। और इसके जो आर्टिस्ट हैं, राजू भाई, रेखा बहन, स्वाति, पुष्पा, जयशंकर, तनुश्री, मनीषा, जगदीश, मनु, जगदम्बा, ललितम्बा, अनीता, प्रकाश और नागवेली, ये जो बेले नृत्य हैं, इस बेले नृत्य के माध्यम से वो हमें इस लोक, परलोक और आत्मा का घर, परमधाम की यात्रा कराएंगे। ये आर्टिस्ट बहुत ही लंबे समय से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वो दिन मुझे याद आता है, आज से 18 साल पहले यही आर्टिस्ट इसी धरती पर, इसी मंच पर आकर परफॉर्म कर रहे थे। तब वो एक आर्टिस्ट के रूप में आए थे और यही नृत्य करते करते वो आज राजयोगी बन गए। तो ऐसे राजू भाई और उनके ग्रुप के सभी कलाकारों के लिए मैं एक बार स्वागत करना चाहती हूँ। इन कलाकारों को और कुछ नहीं चाहिए, बस उनका हौसला बढ़ाने के लिए हमारी करतल धनी का आवाज़ यहाँ से लंबे दूर तक पहुँचे, और यही आवाज़
हमारी एक उनकी स्वागत की श्रृंखला है, तो आइए प्रस्तुत हैं रूहानी यात्रा का, हम बहुत ही सुंदर यात्रा का मजा ले चलिए रूहानी यात्रा पर राजू भाई और ग्रुप के द्वारा। Thank you.
सबसे ऊपर मूल वतन घर जाए तनिक यहाँ ठहर। धरती पर है आई देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के सुखों के ढेर। आ
मानव मात्र का कल्याण करने के लिए हे प्रभु आपका दिव्य अवतरण अब हुआ है। वाह वाह प्रभु वाह वाह आपका गीता ज्ञान और वाह कल का विश्व। कल का विश्व होगा कितना सुंदर और सुहाना। कल का विश्व होगा कितना सुंदर और सुहाना। ब्रह्मा का दिन होगा जग में प्रेम किरण मुस्काएगी। ब्रह्मा का दिन होगा जग में प्रेम किरण मुस्काएगी। बरसाएगी स्वर्ण ऋतु में वर्षा होगी, हीरे मोती बरसाएगी।
का विश्व होगा कितना सुंदर और सुहाना। नर होंगे नारायण जैसे, लक्ष्मी जैसी नारी। नर होंगे नारायण जैसे, लक्ष्मी जैसी नारी। सतयुग अति सुहाना, गुणों का जिसमें खजाना। वो सतयुग अति सुहाना, गुणों का जिसमें खजाना। वो सतयुग अति सुहाना, गुणों का जिसमें खजाना। वो सतयुग अति सुहाना, गुणों का जिसमें खजाना। ओम शांति, ओम शांति, शांति। ओम शांति, ओम शांति, विश्व शांति, विश्व शांति। ओम शांति, शांति, ओम शांति, विश्व शांति। ओम शांति, विश्व शांति, ओम शांति, विश्व शांति, ओम शांति, विश्व शांति। ओम शांति। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद राजू भाई, उनके सभी साथी, बेहतरीन रूहानी प्रस्तुति। और राजू भाई के लिए खास बताऊं, इनके डांस का जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और इनके साथ शिव शक्ति नृत्यशाला और ललित कला निकेतन द्वारा जो हमारी बहनें रेखा बहन, उनके सब साथी सब आए हैं, और उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी रूहानी यात्रा करवाई हमें, इनका थीम ही था रूहानी यात्रा, रूहानी राहों पर आप हमें ले गए। सब कलाकारों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और ललिता बहन जो कि पधारी हैं, वो ऐसे 51 शिवलिंग बनाकर लाई हैं और ब्रह्मा बाबा की इस धरती पर, शिव बाबा की इस धरती पर अपनी तरफ से भेंट देना चाहती हैं। आप सोचिए 51 शिवलिंग मोतियों से ऐसे बनाए हुए कितना वक्त लगा होगा, लेकिन जहाँ प्यार हो, भावना हो, श्रद्धा हो, उसकी कोई सीमा नहीं। उनके हाथ में है, वो ऐसे अलग अलग रंगों में 51 शिवलिंग बनाकर लाई हैं जो इस शिव बाबा के घर में भेंट देना चाहती हैं, और बाबा की दुआएं सदा उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सबको, राजू भाई और सभी कलाकारों को इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। बेंगलोर से हमारे बीच पधार के आज इतना अच्छा आपने इस मंच को सजाया है, इस सभा को दिव्यमान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भी बड़ी प्यारी आइटम्स बाकी है, तो धन्यवाद। कल इनका और भी बहुत अच्छा है, आना मत भूलिएगा आप सभी, कल बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम और भी प्रस्तुत होगा। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जोर से करतल ध्वनि।
वक्त के साथ साथ उन्होंने हमें हर जगह फेरा लगा दिया, यात्रा करा दी चारों युगों में, राजू भाई और उनके साथियों ने। भाई बहनों, आपको अपने से पूछना होगा कि आप इन रूहानी राहों से कितना दूर हैं। आपको बुलाता इन रूहानी राहों का नूर है, इन रूहानी राहों पे है वो जिसे लोग कहते सच्चा हजूर है, सच्चा हजूर है। इन राहों पर सच्ची आज़ादी है, इन रूहानी राहों पर नए जीवन की आदि है। इन राहों पर दूर होती हर एक व्याधि है, यहाँ सारे समाधान है। इन राहों पे सच्ची समाधि है, सच्ची समाधि है। तो ले चलते हैं इस कार्यक्रम को आगे एक माहिम के द्वारा। जब आप सच्चाई की राह पर, एक रूहानी राह पर होते हैं, तो बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, बहुत सारे प्रलोभन होते हैं। तो ऐसे एक माइम हमारे प्रस्तुत करने जा रहे हैं आगरा से पधारी हमारी बहनें मोना, रानी, वैशाली, पूजा और भाई प्रेम, जो कि माइम है रक्त चरित्र, एक योगी और प्रलोभन। हम जोरदार आपका तालियों के साथ स्वागत करते हैं। धड़ से कटेगा कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा। बात पर है खाद, मौत की बिछी बिछाड़। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मरेगा। जाग जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये जलजला है, पूरे जोर पर चला है। किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित। Day, a dream of watching you fade away. Feel me once, feel me twice, feel me more, I'll shoot you outside. You better keep running if you want to survive. Cause every night I dream of watching you. सारी रात क्या पता मैं कल दूंगा। पीट पीट ढोल पीट, हाथ पांव मार ठेठ। ओ नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच, रात सारी मौत का हूं मैं मदारी। बाज डमरू सी कटारी डम 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 डम, नाच मौत का। मीडिया खाली
समाज का आईना नहीं वरदान भी हो सकती है, नई युग की नई तस्वीर, नया गान भी हो सकती है। अभी कल्चरल प्रोग्राम बाकी है, खत्म नहीं है। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ज्ञान और योग की जो राहें हैं वो बड़ी विशेष हैं। इनसे आपको विजय मिलती है, क्योंकि ज्ञान और योग से रंक भी उठते हैं राव बनकर, ज्ञान और योग से रंक भी उठते हैं राव बनकर, नेकियां जो दरिया में डाली जाती हैं तूफानों में मिलती हैं नाव बनकर, तूफानों में मिलती हैं नाव बनकर। इसलिए श्रेष्ठ पथ पर चलते रहिए, श्रेष्ठ कर्मों से अपने जीवन को सजाते रहिए। तो नंदी बहन, अभी हम आप हमें आगे और अब क्या दिखाने वाली हैं? बहुत सुंदर विवेक भाई, अब देवी नृत्य हमारे सामने प्रस्तुत होने जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है देवी मंदिर की शोभा है, देवी आद्य शक्ति है, देवी पूजनीय है और देवी वंदनीय है। चाहे वो दुर्गा हो, सरस्वती हो, माँ अम्बा हो, माँ लक्ष्मी हो, आज का इंसान विद्या के लिए सरस्वती की आराधना करता है, धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करता है और शक्ति के लिए माँ दुर्गा के पास जाता है। तो आइए आज ये तीनों साक्षात देवियाँ इस मंच पर पधारकर हमें वरदानों से हमारी झोली को भरने आ रही हैं, वो दर्शन देने आ रही हैं। तो उनके दर्शन को करके हमें अपने जीवन को धन्य करें और इन देवियों का जैसा हमारा जीवन बनाए, यही संदेश लेकर देवी माँ आज हमारे सन्मुख आ रही हैं। कुमारी रानी सरस्वती, कुमारी शिल्पा दुर्गा, कुमारी अश्विनी लक्ष्मी बेलगाम से देवी नृत्य को लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। तो इन देवियों की शक्ति को हम स्वीकार करें। डिवाइन ग्रुप बेंगलोर की ये बहनें, हम करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। शयनं पद्मनाभं सुरेशं
जाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो महावह ताम महावह जात वेदो लक्ष्मी मदपगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषानहम् पूर्वां प्रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्महाधेवीर्षताम् तां सुस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रां ज्वलन्तीम् Thank you.
हृदय से धन्यवाद देवी स्वरूप धारण किए हुए हमारी इन दिव्य बहनों को। और भाई बहनों, आप सबके लिए ये शुभकामनाएं हैं कि माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, इन तीनों का आप पर, आपके साथ रहें, आप पर कृपा रहे। और जिन रिश्तों में सच की और शुभकामनाओं की बुनियादें होती हैं, वहाँ मुलाकातें चाहे छोटी हो लेकिन बड़ी लंबी यादें होती हैं। और आप सबके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका घर परिवार, आप सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। इन शुभकामनाओं के साथ आपसे आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। शुभकामनाएं।